फ्रेंड्स, वेलकम टू दी न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली लाइसेंस लिया है या कभी कोई हानेदा एयरपोर्ट नहीं गया है। तो हम जा रहे हैं अभी हानेदा एयरपोर्ट और वहाँ का रूट, वहाँ की पार्किंग और क्या क्या वहाँ पे हमें ध्यान रखना है गाड़ी चलाते समय टुवर्ड्स हानेदा। तो इनकेस आपको किसी को ड्रॉप करना है या पिक करना है तो आज आपको ही दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी हानेदा। तो वो रही गाड़ी। तो दोस्तों 41 मिनट दिखा रहा है भाई गूगल, यहाँ तो इसमें एस्टिमेटेड टाइम क्या आ रहा है अभी इसमें नहीं आ रहा। तो 41 मिनट दिखा रहा है, 820 का हो रहा है ना, अभी 820 का प्रेजेंट टाइम हो रहा है। तो 40-45 मिनट्स का टाइम है अभी, 820 और 9:10-9:15 पहुँचेंगे हानेदा एयरपोर्ट। तो चलते हैं। दोस्तों पहुंच रहे हैं हानेदा एयरपोर्ट और ये पहुंचने वाले हैं ओदाइबा एरिया। तो उसमें चलते रहो, बस सीधी सीधी रोड है ओजीवा साइड से अगर आओ तो। ये देखो साइन बोर्ड आ गया, हानेदा एयरपोर्ट एंड ओदाइबा स्ट्रेट। तो स्ट्रेट ही चलते रहो, कहीं नहीं टर्न करना। तो दोस्तों ये साइड में से टर्न नहीं करना, स्ट्रेट चलते रहो। एक्चुअली गूगल मैप फॉलो करते रहो बेस्ट है, लेकिन कन्फ्यूजन फिर भी होती है, चलते रहो। तो ये भी एक हल्का सा कन्फ्यूजन पॉइंट है, यहाँ पे स्ट्रेट ओदाइबा एंड राइट हानेदा एयरपोर्ट। तो आपको राइट जाना है, लेफ्ट चला जाएगा ओदाइबा, वो सामने ड्राइवर सिटी टोक्यो ओदाइबा का। हाँ, हमें जाना है स्ट्रेट, मतलब इस अंडर पास से निकल जाओ। तो आ गए टनल के अंदर, ये टनल शायद तो 1-2 किलोमीटर की है। अच्छा क्या बोला? तो ये है साइड में शिनकानसेन जो है बुलेट ट्रेन की पार्किंग। ये देखो बुलेट ट्रेन खड़ी, बहुत सारी खड़ी है यहाँ पे, थोड़ी घास ही बड़ी बड़ी है इसलिए दिख नहीं रहा। और सीधा जाना है दोस्तों, ना राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है, आपको सेंटर पे रहना है। राइट में चले जाओगे तो आप एंटर कर जाओगे हाईवे। सिग्नल से राइट लेना है टर्मिनल 3 के लिए। चप्पे चप्पे पे रहते हैं। तो यहाँ से आप ले लो राइट आराम से। अरे उठो बेटा, पहुँच गए। ये पहुँच गए एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3। 2.2 साइड क्यों दिखा रहा है? तो ये P5 यहाँ लिखा है दोस्तों, इस P5 के सिग्नल से राइट लेना है। तो इससे पहले भी एक सिग्नल है, कंफ्यूज मत होना, राइट लेके फिर वो एंटर करने जा सामने बस जा रही है। तो ये घुमा के पार्किंग साइड ले जाएगा। In 400 meters, keep left at the fork. फोर्क पे लेफ्ट रहना है हमें, जैसे सुना आप लोगों ने। सही है, टर्मिनल 3 लिखा ना। अच्छा पार्किंग है, P5 पार्किंग है। नहीं मेरे को लग रहा है इन्हें यहीं उतार। हाँ ड्रॉप कर दो, हाँ टाइम नहीं है, पार्किंग फुल है भाई, सारी गाड़ियाँ वेटिंग है। देखो गाड़ियाँ फुल है, पार्किंग सब वेट कर रहे हैं, तो भाई ड्रॉप करना पड़ेगा। ये लिखा रखा है Keep left at the fork. राइट चले जाओगे पार्किंग के लिए। In 400 meters, continue straight. बसेस, टैक्सीज, जनरल कार आ गए ना राइट। वो कहाँ है? टर्मिनल 3 सीधा। चलते रहो, चलते रहो। और इसमें लिखा है बसेस टैक्सी के लिए स्ट्रेट और गाड़ी के लिए। ये है टर्मिनल 3 ना? बस टैक्सी दाई ची दाई नी। हाँ चल सीधा, चल सीधा, ये सारी टैक्सी हैं, सीधा चल, सीधा 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 चल। बस टैक्सी पंचा नोमी दाइनी, ये सारी टैक्सी हैं।
continue straight, then slight right. जनरल का आ गया ना सामने 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 इसी में से ये राइट 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 स्लाइट राइट इन 200 मीटर्स यू विल अराइव इन 200 मीटर्स यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन. तो ये रेड मार्किंग से है जनरल कार मींस फॉर कार्स ये पांचा और आगे जो है वो बोर्डिंग के लिए है या डीबोर्डिंग के लिए एरिया ये तो सारी गाड़ियां वेट कर रही हैं डीबोर्डिंग के लिए. बस निकली हम अपनी गाड़ी यहाँ लगाएंगे. चलो जी बस गई अब मिल गए हमें पार्किंग. दोस्तों गाड़ी पार्क कर दी है उसका वेट कर रहा हूँ मैं तब तक और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से. तो बस दोस्तों निकल रहे हैं. अगर आपको पार्किंग करनी है तो पहले टाइम से आ जाना यहाँ पे क्योंकि पार्किंग मिलेगी नहीं फुल है पार्किंग तो आधा पौना घंटा वेट लगेगा. तो इसलिए अगर आपको पार्किंग करनी है फैमिली को ढंग से सी ऑफ करना है तो पहले पार्क कर लो अदरवाइज आपको गाड़ी छोड़ के एकदम से सामने ही गेट पर ड्रॉप करके निकलना पड़ेगा हर हालत में. तो एडवाइस यही है अगर आपको टाइम लेके आओ और पार्किंग करो फिर तसल्ली से फैमिली को ड्रॉप करो. बस तो निकल गए हम घर के लिए और हानेदर एयरपोर्ट फैमिली कर दिया ड्रॉप. ये खड़ी सारी टैक्सियाँ ये बस बोर्डिंग पॉइंट. तो दोस्तों देखा एक चीज़ की मतलब वेट किया हमने 15-20 मिनट ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं मतलब ऐसा को ड्राइवर कोई आए मैं भी ऐसे को ड्राइवर बैठा होता बट सजेशन ये कि अगर टाइम हो तो आप पार्किंग कर लो तसल्ली से टेंशन फ्री रहो अदरवाइज 10-15 मिनट का काम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है पिक एंड ड्रॉप में. तो अब चलते हैं वापस चलते रहो स्ट्रेट ही जाना इसमें योकोहामा कावासाकी कामाता की साइड. बहुत कंफ्यूजन दोस्तों यहाँ आने में एक बार गलत हुआ देखो आना का प्लेन भी जा रहा है गलत रूट पकड़ लिया तो फिर चक्कर मारते जाओगे एयरपोर्ट के. बस अब सीधा सीधा चलते रहो राइट साइड में चले गए तो ईटीसी में जाना पड़ेगा तो आपको ईटीसी कार्ड भी डाल के रखना अपने गाड़ी में इंसर्ट करके रखना पता चले गलत चले गए. तो राइट साइड वाले जो है ईटीसी है और ये रेगुलर आपका एक जनरल रोड है. राइट साइड रहना है सॉरी थोड़ा लेट हो गया तो आपको राइट साइड में रहना है और ये टनल पे जाएगी रोड इससे हमें. तो ये था हानेदा से आने जाने का रास्ता. तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है आज ही बनाऊंगा जो हम जा रहे हैं होली फेस्टिवल के लिए. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. मिलते हैं बाय बाय.